सुबह में इसमें ऐसा हुआ कि जैसे कि गांव की चौकड़ी पर कब्रस्तान है, वो कब्रस्तान के पास मतलब मैंने कि जरा थोड़ा सुबह में एपीएमसी है वहाँ पर पुलिस तैनात हो गई थी अगले दिन रात से यानी करीबन। तो वहाँ पर तो सुबह के अंदर एकदम से ऐसा मतलब मैंने कि जैसे देखने में आया कि कब्रस्तान के पीछे की साइड पर आग लगी हुई, धुआं निकल रहा था। तो हम लोग वहाँ पर देखने को आए और देख के फिर वापस हम दुकान पर चले गए। तो वहीं पे मतलब मैंने सब रिश्तेदारी है, मेरे मामू का लड़का है जो विश मेमन, जिसको मतलब अभी पुलिस हिरासत में ले लिया हुआ है। तो वो एक्चुअली वहीं पे उसी टाइम पर दुकान पर ही था और दुकान पर से जो पुलिस जो आई थी, साहब जो आए हुए थे, वो वहीं से उसको बैठा के ले गए। जबकि एक्चुअली हम वहीं पर सब मौजूद थे, दुकानें हमारी सब खुली हुई थी और दुकान के ऊपर जैसे कि मेरा भाई बाजू में दूसरा भी था वशिम मेमन और मेरी दुकान थी, उसके बाजू में मेरा भाई जो वेश मेमन उसकी दुकान थी। सब यहाँ इकट्ठे जमा हो गए। इकट्ठे जमा होने के बाद इन लोगों ने क्या किया कि सब यहाँ कोई आएगा तो उसको मार देंगे, ऐसा करके डरा के इन लोगों ने पाया बाया खोद के काम शुरू कर दिया। तो काम चला वहाँ तक, ये लोग रोजिंदा यहाँ 100 आदमी रहते थे, 50-100 आदमी, और हमको डराते रहे और हम उसके पास आ नहीं सके। और हम कोर्ट क्या करती है, वो कोर्ट के पास हम न्याय लेने गए तो कोर्ट ने हमको न्याय दिया नहीं। पोते पे ऐसा सवाल जवाब करते, तो मैंने वहाँ साथ में खड़ी थी, पुलिस वालों के साथ में खड़ी थी। तो मेरे मन से ऐसा, मेरे को नहीं पूछा तो मेरी पोती ने सब जवाब दे दिया पहले, ऐसा करके पीछे ने चले गए पहले। पीछे बाद में थोड़ी बार से पीछे संग पर ही फिर से वो लोग आए, तो फिर से पीछे मेरे घर पास आके ने फिर से पीछे चले गए। तो कहते वो तो उनको देख लेंगे हम लोग, ऐसा बोल के नहीं चले। वो लाल जर्सी वाले को भी देख लेंगे हम, और वो काली शर्ट वाले को भी देख लेंगे, और राजा को भी हम देख लेंगे, और दूसरा कुछ नाम लिया। लाल जर्सी वाला कौन? लाल जर्सी वाला हारून मेरा लड़का है। तो अभी 2012 में जब फाइल हमारे पास आई, हम भी नए हैं, मैं 5 महीने से यहाँ पर, ये भी 2-3 महीने से यहाँ पर है। तो फाइल हमारे पास आई, हमने डिसीजन ये लिया कि भाई चलो, कि जब हाईकोर्ट भी ये फैसला किया गया है कि जब ये जमीन जब ये जजमेंट एपीएल की फेवर में कि भी 570 जो स्क्वायर फीट जमीन उनके नाम पे है, तो ये जो कब्रिस्तान का बोर्ड है और टाइटल क्लियर एपीएमसी के नाम पर और वार्ड को हटाया जाए। तो हम आया सुबह पे, हमारे ऑपरेशन हुआ 4:30 के आसपास कुछ, हम निकले वहाँ से और 5:30 बजे हम यहाँ आए। सुबह यहाँ से गए बाद इसको पकड़ने पहले से इधर आए, सब बोले कहाँ है सबीर। मैंने बोला सबीर नहीं है, मेरा लड़का कल का गया है बड़ो दिन, आया नहीं। फिर बाद में बोले राजा तुम्हारे घर पे है। मैंने बोला नहीं, मेरा पूरा घर चेक कर लो, सब देखा इन्होंने बाहर से। फिर मैंने बोला कि मेरे घर मेरे तीन बेटे नहीं है, एक बेटा मेरा तनख लगा है, दूसरा बेटा मेरा दवाई लेने गया, फिर तीसरा तो कल का ही गया था। मेरे घर में कोई नहीं, बोले तुम्हारे घर में छुपा हुआ है। मैंने बोला दोनों घर में देख लो आप जाके ने। तो ये कितने टाइम से बन रहा है? 5 साल से पड़ा है ये तो। नहीं नहीं यार, राजा हमने सुना कि कुछ आग लगी। हमारा कुछ भी नहीं, कचरा जलाया है अंदर, ये कचरा जलाया है, कचरा जलाया, आग नहीं जलाई। एक आरोपी पकड़ा ना, उसने बोला ना कि हमने जलाया, वो तो हमने भी देखा। हमारा तो आगे दूसरा कुछ नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का कोई खराब नहीं है, सब परिस्थिति शांति। मेरा थाना अधिकारी था मिस्टर चौधरी और गोपाल तड़वी करके यहाँ का इंचार्ज मामलतदार है, उसको लेके सर्वे सिटी सर्वे से मैप मंगवा के हमने एपीएमसी का वो जो सेंटर जो अभी खड़ा हुआ है वो 570 या जो स्क्वायर फीट जगह है कलेक्टर ने एक्वायर किया, वो जगह हमने वेरीफाई किया। वो ऐसा हुआ कि कल शाम करीब 4-5 बजे वो उनका लड़का जो स्कूल से आता है, वो जो एपीएमसी का प्रमुख है उसका लड़का आता है, वो
वो हम लोग चार चौकड़ी पर खड़े थे वहाँ, वो आया और बोलने लगा कि भाई कल देखियो तुम यहाँ हो क्या करना है तुम, हमारे सब पुलिस आके यहाँ से तोड़ फोड़ करके सब जला देगी और तुमको पता भी नहीं चलेगा कि कब जला। ऐसा किसने बोला? वो उमंग भाई लायबे पटेल का लड़का। मगर ऐसा इतना क्या इश्यू था कि आपको 5 बजे करना पड़ा? नहीं, हमें ये लगा कि 5 बजे का या सुबह का जो 6 बजे हम 5:30 to 6 के बीच यहाँ पर पहुँचे, हमको ये लगा कि ये टाइम ऐसा होता है पीसफुल जब हम हमारी तरीके से अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हैं, जबकि हमारी फेवर में ये कोर्ट का डिसीजन है पूरा। हमें ऐसा तो कुछ नहीं था, ऐसा डिसीजन दिया कि 5 बजे आप ऑपरेशन करो? नहीं, कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया, कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई जो भी जमीन है वो APMC की है, APMC की जमीन है। तो वो जगह कौन सी, जो अभी बिल्डिंग खड़ी है वही जगह, तो उसको राइट है, तो उसको अगर वो बनाने जा रहा है तो उसमें वो लोग आके उसको प्रिवेंट करे और उसको अटकाने की बात करे। हमने बोला ना हमको साथ है उस पे, हमने ये नहीं किया कि वो आरोपी है। और अभी अभी हमको जो रिपोर्ट मिले साहब आपको खास, कि वो लड़का जिसको अरेस्ट करा उसको कहाँ ले गए उसकी फैमिली को भी पता नहीं है। बकुल चौधरी प्रेशर करता था लेकिन देखा नहीं तो फिर कैसे करे? वो क्या प्रेशर कर रहा था? वो बोलता था कि किसका मुस्लिम किसने आग लगाई वो आप नाम बताओ, मेरा को भी करता था, मैंने तो नाम बोला मैं कुछ जानता नहीं, लेकिन कपिल बहन को भी पूछता था। ये आई पची मैं रोटला बना देती बराबर, पची बड़ा तोड़े वाला था। हाँ, तोड़ू वाली थी। हाँ, बड़ा बेकार थोड़ा था। पची थोड़ी बार मैं आप बता फरता था, थोड़ी बार मैं फर गई तो करीब कोई जा नहीं रहा तो फिर किसने आग लगाएगा वो क्या मालूम पड़ेगी। तो आपको लगता है कि परेशान करने के लिए ही लगाई गई है? समझो कि ये दहशत फैलाने का एक मतलब बहुत बड़ा जरिया समझता हूँ मैं इसको। तो हाईकोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का बासु साहब का भी हुक्म है, वो उसका रिलेटिव को इन्फॉर्म किया गया है और आपको शायद मालूम नहीं होगा, और अभी वो गरुड़ेश्वर पुलिस स्टेशन में आप मेरा PSI आपके साथ में आएगा, उसको मिलो आप बराबर 151 में वो एंटीसोशल एलिमेंट में हमने इसको धरपकड़ किया। अभी जो पक्का सग है तो उसमें अभी जो हमने ऑफेंस रजिस्टर किया है वो उसके खिलाफ भी कार्यवाही होगी, और अभी एक एब्सकॉन्डर जो राजा करके है, राजा गांची, वो मेन आदमी है, मेन सूत्रधार है। ये गांव के सभी यहाँ 90% माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो है वो शांति चाहते हैं, इसमें से राजा गांची सबको भड़काऊ बात करते हैं और सबको आगे वो लेके आता है, वो अभी फरार है, एब्सकॉन्डर है, तो उसको पुलिस पकड़ने की तजवीज कर रहे हैं। वो शॉर्ट कितना दिन भागेगा, वो आ जाएगा। हाथ में बंदूक थी और एक जन के हाथ में डंडा था, वो डंडा सच बोल मेरी पोती को ऐसा बोलते थे, तो पोती तो घबरा गई, तो मेरे को कहते कि दादी माँ तुम यहाँ चले आओ। अब इसकी जगह किसने लगाई? अब यहाँ साइड में मतलब रोड के ऊपर पुलिस का बंदोबस्त है, अंदर कौन गया ये पूरा पुलिस का हालांकि मतलब जिम्मेदारी रहती है कि भाई कौन गया, क्या हुआ, कैसा हुआ। आप तो जाके मिल सकते हम कुछ चौधरी यहाँ कुछ लोगों को पहले मिल लेते हैं। रिलेटिव ने इन्हें जान ले दी थी पहले वहाँ से वापस आए। ये तो चलो आपको अहमदाबाद से गाड़ी लेके आए, तुम तसल्ली रखो, डरो मत, दिल्ली से स्पेशली तुम्हारा तिलक।